बिग बॉस 7 की विजेता गौहर खान ने दोस्तों कर दी है एक बड़ी बात और पवित्र पुनिया को आड़े हाथों लिया है। पवित्र पुनिया की सच्चाई सामने उजागर कर दी है। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज और स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि बिग बॉस का मंच सजा हुआ था। सलमान खान स्टेज पे थे, राहुल के बारे में पूछा रहा था कि राहुल पे किस किस को ट्रस्ट नहीं है। यहां पर कोई भी हाथ नहीं खड़े होते हैं दोस्तों, राहुल पे किसको ट्रस्ट है, कोई भी हाथ खड़े नहीं होते। पवित्र पुनिया से पूछा जाता है तो कहती कि पीठ पीछे जो बात है मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करती हूं। यहां पर दोस्तों गौहर खान ने ये बड़ी बात बोल दी है कि पीठ पीछे जो बात करती हो उस पर ट्रस्ट नहीं करती हो। सो यहां पर आप पीठ पीछे गाली दे सकती हो भर भर के, फिल्थी टंग बोला है दोस्तों गौहर खान ने पवित्र पुनिया को। पवित्र पुनिया जिसने की दोस्तों अभी रिसेंटली एक टास्क हुआ था जहां पर ये बात बोली थी इस्लाम पड़ेगी तो मैं something like that, right? और ऐसे में दोस्तों इतनी गंदी गंदी भर के गालियां दी थी कि बिग बॉस को वो तो है ना एकदम म्यूट करना पड़ा था, हमको पी ऐसे बीप सुन रहा था। सो ऐसे में दोस्तों गौहर खान इस वक्त बहुत ज्यादा खफा है। गौहर खान ने इनफैक्ट घर से आने के बाद भी बहुत सारे ट्वीट किए थे उसके पवित्र पुनिया के अगेंस्ट और पवित्र पुनिया की सारी बातें सामने रख दी थी। आपको क्या है कहना गौहर के इस रिएक्शन को लेकर, जिस तरीके से फिल्थी टंग जो टाइटल दिया है किसके, पवित्र पुनिया के लिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं राहुल बोझ चैनल में नया हूं, आपका सपोर्ट चाहता हूं। सो कमेंट सेक्शन में जाएं और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।